तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल प्ले स्टोर के एक नए अपडेट के और एक क्या बोल सकते हैं नए फीचर के बारे में, जो कि गूगल प्ले स्टोर में रोल आउट कर दिया गया है। लगभग ये सभी यूजर को ये वाला फीचर मिल गया होगा। बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर मुझे लगा, क्योंकि इस फीचर से आप बहुत ज़्यादा अपना यूजफुल क्या बोल सकते हैं जो भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप इससे बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। क्या ये नया फीचर है, कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, भाई और बहनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैं बताया आपको बता रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर के नए अपडेट्स के नए फीचर के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स पे, सॉरी यहाँ ऐप पे जाना है। यहाँ पर सेटिंग्स पे जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे तो आप देखेंगे मेरे पास जो वर्जन नंबर इंस्टॉल्ड है वो है 36.3.12.29। ये मेरे पास ऑल आउट ये वाला अपडेट है मेरे पास मोबाइल में। अगर आपके ऐसे प्रीवियस वर्जन है तो आप इसको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपको जो नया फीचर यहाँ पर मिलेगा उसके लिए जाना है यहाँ पर, यहाँ जाने के जाना है आपको मैनेज एप्स में एंड सेटिंग्स में, एंड यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा होगा सिमुलेशन एप्स टू डिवाइसेस। ये फीचर क्या काम करता है भाई, ये फीचर का काम ये है कि आपके में आपकी मेल आईडी से जितने भी डिवाइसेस लॉगिन है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेल आईडी से जितनी भी डिवाइसेस लॉगिन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी सिमुलेशन ऐप में। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी मेल आईडी एक दूसरे मोबाइल में भी इंस्टॉल्ड है, जिसका वो आपको बता रहा है नो डिवाइस सिग्नल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जितनी भी ऐप्स मेरे इस मोबाइल में इंस्टॉल्ड है वो मेरे इस वाले मोबाइल पर जिसमें मैंने लिंक कर दिया है उस पर भी इंस्टॉल हो जाएगी। दिखा भी हुआ है सिग्नेशन टू ऑल डिवाइसेस, अपडेट यू इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस विल आल्सो बी इंस्टॉल ऑन योर सिग्नेशन डिवाइस। जो मैं कोई नई ऐप डाउनलोड करूंगा तो वो ऑटोमेटिक मेरे उस वाले मोबाइल पर भी डाउनलोड हो जाएगी जो भी इसमें लिंक है। यहाँ पर आपके मल्टीपल, जैसे कि मान लो आपने एक मेल आईडी अपने 4-5 मोबाइल में लगता है अपने घर के, या आपके पास 2-3 मोबाइल यूज़ करते हैं, तो पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और आपको सबको टिक कर लेना है जिसमें आपको इंस्टॉल करना है, साथ में आप उस पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत यूज़फुल है। पहले ये फीचर कहाँ मिलता था, जब आपको करना होता था तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे या बोल सकते हैं डेस्कटॉप पे लॉगिन करके आप कर पाते थे प्ले स्टोर पे, बट उसमें भी अलग अलग डिवाइस को आपको सेलेक्ट करना था। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार टिक कर लेना है जितने भी आपकी मोबाइल से सबको आपको टिक कर लेना है रैंडमली, और उसके बाद जब भी आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके उस मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें आप अपना गूगल की जो एंड्रॉयड वॉचेस होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और उसकी भी आपको यहाँ पर उससे में भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यही नया अपडेट था, यही नया फीचर था गूगल प्ले स्टोर की तरफ से, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दो, और सबसे जरूरी चीज़ यार सब्सक्राइब सबसे पहले कर लिया करो यार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वीडियोज़ को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत किया करो यार। सब्सक्राइब सबसे पहले कर लिया करो, और हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। इतना सब कर ही लोगे तो यार एक चीज़ और कर दो, कमेंट भी और कर देना। तो थैंक